नोटिफिकेशन में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज की वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के पर प्रैक्टिस को देखेंगे। तो आइए एक एक करके सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आज रहेंगे जो कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर देगा कि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं जब हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में मेंशन करते हैं, अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल पर मैं बात करता हूं। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई नो योर फैमिली एंड यू नो माई फैमिली एंड यू नो माइन। चलिए, माइन स्टैंड फॉर माई फैमिली। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, पर्सन कहां पर दिखाई दे रहे हैं। चेंज किसको होता है, डायरेक्ट स्पीच वाले पार्ट में। डायरेक्ट स्पीच में भी कौन सा पार्ट में, रिपोर्टेड क्लॉज में। तो पर्सन सबसे पहले आई, यू, ये चेंज होगा, वंस अगेन यू एंड यहां पर माइन, यानी फोर पर्सन हमें सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, ये चार चेंज होंगे। चलिए याद कीजिए, सेज को हम लोग किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सेज को के बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। सी टेल्स मी, तो अब उससे कहती है, डेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा केस में है, आई। आई का कॉलम देखिए, केस टेबल मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। और आई जो फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी है, यहां पर मेंशन करेंगे सी। अकॉर्डिंग टू सी हमें क्या पता है, वी फाइव इस्तेमाल होता है, तो क्या हो जाएगा, नोच। अब ये जो हमारा योर है वो सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो ये योर है, उसके बाद हमने बताया था नाउन, केस का कौन सा कॉलम है जिसके बाद नाउन आता है। जी हाँ, याद आ गया आपको को। क्या मैंने बताया था, वो बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस को बनना पड़ेगा क्या, पॉजिटिव भी फॉर्म, क्या पॉजिटिव केस कर सकते हैं। तो सी नोज माई फैमिली, ठीक है, सी नोज माई फैमिली एंड। अब यहां पर यू है, यू हमको पता है कि यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, क्योंकि इसके बाद फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली तौर पर यह कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस, अर्थात यह कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट। तो ये सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा मी है, ये है नॉमिनेटिव केस। चलिए मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है पता है आपको, आई, आई के अनुसार तो नहीं होता है ना, जी हाँ सर, माइन, माइन मेरा कौन सा केस है, पॉजिटिव प्रोनाउन। चलिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा सी है, जल्दी से बता दिए सी का क्या होगा, हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। जी हाँ, क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेज टू मी इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। अब यहां पर गौर से देखिए, अब फिर से वही बात है, रिपोर्टेड क्लॉज ढूंढना है हमें, रिपोर्टेड क्लॉज में हमारा जहां जहां पर्सन है, पर्सन आपको यहां पर यू दिखाई दे रहा है, और यहां पर हमारा क्या है, यू, ठीक है। चलिए मैंने मी को ही ऑब्जेक्ट निकाला था, इस बार मैं हर कर देता हूं, चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ही सेज टू हर, वह उससे कहता है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये जो सेकेंड पर्सन है चेंज हुआ किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए पहले सेज को कन्वर्ट करते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग क्लॉज को, तो हो जाएगा सबसे पहले मेरा ही टेल्स हर, वह उससे कहता है, दैट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ही टेल्स हर दैट
ये हमारा कौन सा केस है जल्दी से बताइए, क्योंकि उसके बाद हमें फाइनाइट वर्ब है, तो जब फाइनाइट वर्ब आता है कौन सा केस बताया था जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ सर, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हर। तो ये जो हर है ऑब्जेक्टिव केस में, किसमें है ये सब्जेक्टिव केस में, तो जल्दी से बताइए कि इस हर वाले कॉलम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जी हाँ सी, दैट इफ सी, यू के अनुसार बी वन, सी के अनुसार बी फाइव, क्या हो जाएगा, सी वर्क्स हार्ड, इफ सी वर्क्स हार्ड कॉमा वन सेकेंड, ये सी यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन है, जब सेकेंड पर्सन है हमारा तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हर, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि फिर से इसके बाद फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रहा है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये नॉमिनेटिव केस में होगा क्योंकि फाइनाइट वर्ब होता है, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और सी का हमारा नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सॉरी हर का नॉमिनेटिव केस हमारा सी होता है, तो सी के अनुसार भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, विल, सी विल गेट गुड मार्क्स, गौर से देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा गुड मार्क्स, ठीक है, सी विल गेट गुड मार्क्स, ये दो एग्जाम्पल्स। चलिए ये दो एग्जाम्पल को देखिए, कुछ और एग्जाम्पल्स पर हम बात करते हैं। द टीचर सेज टू हिज स्टूडेंट्स, द टीचर सेज टू हिज स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे सेंटेंस को, द टीचर सेज टू हिज स्टूडेंट्स, और चूंकि स्टार्टिंग लेटर होता है कैपिटल होता है, यू आर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री, आप अपने देश की क्या है, भविष्य है, ठीक है। तो यहां पर भी आप गौर से देखिए, सबसे पहले रिपोर्टेड क्लॉज को, रिपोर्टेड क्लॉज में प्रोनाउन क्या यहां पर है, एक बार यू है और दूसरा क्या है, यू है। चलिए यू हमारा चूंकि इसके बाद फाइनाइट वर्ब है, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस। योर चूंकि उसके बाद कंट्री मेरा नाम है, कौन सा फॉर्म मैंने बताया था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ही क्या होता है, मेरा नाउन होता है। तो अब हमें इसको चेंज करेंगे, इस सेज के बाद आप जब दिखाई दे रहा है कैसे मेंशन करेंगे, द टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स, टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा और हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट ये सेकंड पर्सन है, चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हमारा चलिए कि थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर क्या होता है, डेफिनेटली दे होता है। अब चूंकि ये नॉमिनेटिव केस है, हम क्या मेंशन करेंगे, दे आर द फ्यूचर ऑफ, अब हमारा ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में कौन सा केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट से प्लूरल समझेंगे, दे समझेंगे, तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला कॉलम में आप जाकर देखिएगा, जिस वीडियो में मैंने केस बताया है उस वीडियो में जाकर के, दे का क्या होता है, दियर, दे आर द फ्यूचर ऑफ दियर कंट्री, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल बात करते हैं, द फार्मर सेल्स टू हिज सन्स, ठीक है, द फार्मर सेल्स टू हिज सन्स, यू शुड वर्क हार्ड for your family, you should work hard for your family, ठीक है, हमें इस बात को ध्यान देना है। तो एक और चीज हमें देखने को मिलेगा, फिर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर यू है, यहां पर क्या है, यू है,
तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देखिए गौर से। द फार्मर, इस सेंटेंस को हमें कैसे चेंज करेंगे, ये गौर से आप देखिए। यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये सेकंड पर्सन है, ये भी हमारा सेकंड पर्सन है, तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, द फार्मर टेल्स हिज सन्स, द फार्मर टेल्स हिज सन्स, अब हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज हो रहा है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हिज सन्स, तो हिज सन्स मेरा क्या, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो इसके जैसा एक्ट करेगा। इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल पर नियर अबाउट कॉन्स्टेंट रखा या सिंगुलर कह सकते हैं, एक जैसा रखा। दे मॉडल है, मॉडल में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगा। दे शुड, ये मॉडल से हमारे, दे शुड वर्क हार्ड फॉर, अब यानी कि सेकंड पर्सन है वो भी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है, ये भी चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये स्टूडेंट्स था तो दे समझे थे, तहिदिसन से, ये भी तो हमारा प्लूरल है। जी हाँ सर, तो प्लूरल है तो उसके जगह पर भी हम लोग दे अंडरस्टैंड करेंगे, तो दे अंडरस्टैंड करेंगे तो यानी कि इसका पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, डियर डियर फैमिली। ये हमारे सेंटेंसेस रहेंगे। जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आइए कुछ और सेंटेंसेस पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं आपसे, और एक दो सेंटेंसेस और हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग, आप प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, फिर से हम आपको और प्रैक्टिस किए सेट में आपके लिए लेकर आते रहूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। सी सेज टू हिज फ्रेंड्स, सी सेज टू, सी सेज टू हर फ्रेंड्स, सी सेज टू हर फ्रेंड्स, कमा इंपॉर्टेंट कमा रखेंगे, आई हेट यू बट यू लव मी, कॉमन सेंटेंसेस आपको नारेशन में इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम इसको भी हम लोग देख लेंगे, फिर से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे पहले पहचानना प्रोनाउन कहां कहां प्रोनाउन आपको दिख गया, अब हमको इतना ही चेंज करना है। यू सेकंड पर्सन रहेगा, आई भी हमारा किस फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि आई के बाद हमारा फाइनाइट बनती है, तो ऐसे ही पता है कि आई हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में, यू हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहां पर चूंकि फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यू मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। मी तो हमको सबसे पता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में समबडी। आइए इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे करेंगे, एक मिनट से गौर कीजिए। सबसे पहले सेल्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में, सी टेल्स हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त से कहती है, अपने दोस्तों से क्या कहती है कि आई हेट, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ये भी नॉमिनेटिव केस, ये भी नॉमिनेटिव केस, क्या मेंशन कर लेंगे बाबू लोग, ही, ठीक है, तो सी होगा मेंशन, नॉट ही, सी, और आई के अनुसार वी वन, सी के अनुसार वी फाइव, सी हेट्स, और ये जो हमारा सेकेंड पर्सन है, चूंकि ऑब्जेक्ट है हमारा, चेंज होगा किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसका रिपोर्टिंग क्लॉज का, तो हर फ्रेंड से प्लूरल नाउन है, क्या इमेजिन करना होगा, दे, और ये चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, याद रखिएगा दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। बट अब वंस अगेन ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार था, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट के जैसा काम करा, ये चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो ये नॉमिनेटिव केस, तो इसका थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म में फिर से नॉमिनेटिव केस से कई बातें बार बार करने की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम मेंशन करेंगे दे, यू के अनुसार भी वी वन, दे के अनुसार भी वी वन, दे लव, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस में, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा सी है, तो मी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हर, क्यों, क्योंकि सी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।